नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु विमेन स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो आज इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि कहां आपको रिटर्न बेहतर मिल सकता है, कहां आप निवेश करें जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, 2 साल में कैसे मिलेंगे आपको 50 लाख रुपए, और पहली बार निवेश के लिए बेहतर फंड आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो ये शो विमेन स्पेशल है, और अगर आपका भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि कहाँ आपको निवेश करना चाहिए जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके, तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। SMS कीजिए 57575 पर, moneyguru@zmedia.slgroup.com पर आप अपना सवाल मेल भी कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं किरण ए देसाई, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जिनसे हम सभी सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संतोष चौधरी हैं राजस्थान से। जी संतोष, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैम, जो अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके आगे फर्दर मेरे को 50 लाख का गोल मैं लेकर चल रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए आगे, कितनी SIP मुझे लेनी चाहिए, और मुझे टैक्स सेवर ही SIP लेनी है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जी किरण जी, 50 लाख का उनका टारगेट है आने वाले 2 सालों में, तो किस तरीके से उन्हें आगे इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? सी संतोष जी का जो ईमेल मेरे पास आया है तो उसमें उन्होंने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसियां लेके रखी है। संतोष जी को मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एक ही बास्केट में सारे फल मत रखिए। एक ही टोकरी में अगर फल सब रखेंगे और टोकरी बिगड़ गई या फट गई तो सब फल आपके बिगड़ जाएंगे। सो फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर फंड्स आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर डिफरेंट एसेट एलोकेशन स्कीम्स। इतनी सारी इंश्योरेंस प्रीमियम भर के, और वो भी सब इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी छोटी छोटी टेन्योर की है, सब 10-10 साल की है। 10 साल की क्यों, मेरे को ये भी एक नवाई लगती है। संतोष जी, अगर आप लेना चाहें तो लंबे पीरियड का इंश्योरेंस लीजिए, और इतने सारे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में आपको बहुत कम रिटर्न देगा। इंश्योरेंस सेक्टर डज नॉट पे यू मच वेल इन अ लॉन्गर टर्म। सो मेरे हिसाब से आप एक तो रिव्यू करिए कि इंश्योरेंस कौन सा आपका ड्रॉप कर सकते हैं, और कौन सा आपका सरेंडर चार्जेस रिव्यू करने के बाद, और कौन सा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नए नए पॉलिसी है तो आई वुड श्योरली सजेस्ट कि ड्रॉप द इंश्योरेंस प्लान्स एंड एंटर इनटू सम बेटर म्यूचुअल फंड SIPs। अगर आपको 2 साल में समझो कि 50 लाख कलेक्ट करने के हैं, कॉर्पस बनाने का है, लेकिन आपको कितनी रकम आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी तकरीबन 5 लाख है, तो पूरे के पूरे 5 लाख भी डालेंगे तो भी 2 साल में 50 लाख तो नहीं हो सकते हैं। उसके लिए काफ़ी बड़ी रकम आपको रखनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि स्टार्ट विथ सम म्यूचुअल फंड SIPs ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका ATC में आपका प्रीमियम कितना क्वालिफाई होता है वो निकालने के बाद ELSS जो आपने बताया, तो ELSS फंड सिलेक्ट करिए। आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड विच इज़ अ गुड परफॉर्मिंग, हैविंग अ वेरी नाइस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में ELSS फंड में डालिए। और कितना चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ कर नक्की करिए कि कितना आपका क्वालिफाई हो रहा है ATC में, वो हिसाब से आप डालिए। और अगर आपको कोई और SIP चालू करने की है, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ 5,000 रुपये आप डालना चाहती है SIP में, तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर ICICI प्रूफ डिस्कवरी प्लान विच इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट फॉर SIP इन म्यूचुअल फंड सेक्टर। तो संतोष, आपने जवाब सुना हमारे एक्सपर्ट का, थोड़ा सा आप रिव्यू जरूर कर सकती हैं अपने सभी इन्वेस्टमेंट का, और डाइवर्सिफाई भी उन्हें जरूर कर सकती हैं ऐसा कि सजेस्ट किया गया, और क्या प्लान आपको लेना चाहिए वो भी आपको स्पेसिफिकली बताया गया है। एक कॉलर ने मेल के जरिए अपना सवाल पूछा है, उनकी उम्र 35 साल है और रश्मिता साहू उनका नाम है। L&T प्रूडेंस फंड में 1 लाख का निवेश कर चुकी है, ये फंड कैसा है जानना चाहती है, और 4 से 5 लाख इसमें क्या वो निवेश कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? रश्मिता जी, L&T प्रूडेंस फंड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैलेंस्ड फंड इन द सेक्टर और द म्यूचुअल फंड सेक्टर फुल्ली, क्योंकि L&T का पास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर रिकॉर्ड आप देखेंगे
तो वो टॉप थ्री में ही रहा है। सो और इतनी सारी उन लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स दिए हैं। एक फीचर उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि अगर आपको मंथली डिविडेंड पे आउट चाहिए, ऐसे देखने जाए तो कोई बैलेंस फंड मंथली डिविडेंड पे आउट नहीं देती है, तो ये L&T प्रूडेंस फंड में आपको मंथली डिविडेंड पे आउट भी मिलता है। सो विच रियली गिव्स यू लिटल इनफ्लो इन योर हाउस फॉर बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड अ टैक्स फ्री। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड आई वुड सजेस्ट, कीप इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। एंड अगर आप दूसरा कोई फंड 4 या 5 लाख रुपया डालना चाहती है और देख रही है दूसरा फंड, तो सेम फीचर्स ऑन द पैरेलल ट्रैक आई वुड सजेस्ट ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड। ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड भी वन ऑफ द टॉप थ्री में रहा है विद अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। सो अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड भी ले सकते हैं। दोनों सरीखे ही है, सेम फीचर्स, मंथली डिविडेंड पे आउट लीजिए। डिविडेंड नहीं चाहिए तो आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। सो मेरी सलाह ये रहेगी कि एवरेज आउट करने के लिए रिटर्न आप ये दो फंड में पैसा पार्क करिए। तो जो फंड्स आपको बताएं आप उसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बैलेंस फंड ये है। और अगर डिविडेंड नहीं चाहिए तो उसका भी एक ऑप्शन आपको इसमें बताया गया है। एक और कॉलर मेल के जरिए उन्होंने सवाल पूछे, मनीषा है नोएडा से। उनका ये कहना है कि पहली बार चूंकि वो निवेश कर रही है, उम्र उनकी 33 साल है, सालाना आय उन्होंने अपनी 2 लाख बताई है और हर महीने जो उनका टारगेट है निवेश का वो 5,000 तक कर सकती हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है, क्या बेहतर फंड्स हो सकते हैं? किरण, इस पर क्या राय देंगे आप? मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बहुत यंग एज में करियर स्टार्ट की है, सो इट्स रियली प्लेजर नोइंग दैट। और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा है तो वो तो सबसे बढ़िया बात है। सिंस यू आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आई वुड सजेस्ट कि फॉर म्यूचुअल फंड यू विल हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ KYC, KRA एंड FATCA। ये वन टाइम ऑफर रहता है और उसमें कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं लगता है। आपको फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ, ये सब देना पड़ता है, विच इज़ अ वन टाइम ऑफर। लेकिन एक गोल्डन स्टेप्स मैं आपको बता दूँ पहले तो, कि अगर आदमी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है यंग एज में, द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट इफ यू आर अ अर्निंग पर्सन देन यू शुड कवर योर लाइफ बाई टेकिंग सम टर्म इंश्योरेंस। एक बार लाइफ कवर हो जाए देन यू शुड टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप वुड बी टेकिंग अ मेडिक्लेम। मेडिक्लेम इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल एज योर टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आई वुड सजेस्ट टू थिंक अबाउट सम टैक्स प्लानिंग बाई वे ऑफ PPF एंड NPS, विच इज ऑल्सो वेरी गुड वेल्थ एक्यूमुलेटिंग टूल, टैक्स फ्री फॉर योर फ्यूचर। फोर्थ स्टेप आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर म्यूचुअल फंड SIP। फिफ्थ स्टेप आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर बाय वे ऑफ डीमैट अकाउंट विथ इधर सम शेयर ब्रोकर और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट स्टेप आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर अ गोल्ड और प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट स्टेप इज having exposure to the sophisticated and structured products like PMS. तो ये step आप follow करेंगी तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि I presume कि आपने पहले दो step तो खत्म किए ही होंगे, taking a term insurance on your life and then covering your mediclaim to the tune of say between 2 lakhs to 5 lakhs since you are very young, so mediclaim ले लो। Third step you follow about PPF and NPS. अगर एक बार PPF NPS चालू कर दिया तो योर फ्यूचर इज ऑल्सो मनी वाइज सिक्योर्ड टू अ लिटल एक्सटेंट। में आपको म्यूचुअल फंड SIP चालू करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड SIP भी मैं आपको सलाह ये दूंगा, सिंस यू आर अ बिगिनर डज नॉट हैविंग नॉलेज इन द इक्विटी सेक्टर, तो गो फॉर सम बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड में ये SIP चालू करिए और करिए। किरण, एक और हमारे साथ दर्शक है रिद्धि देहरादून से, मेल के जरिए उन्होंने सवाल पूछे हैं। उम्र उनकी 35 साल है, वो अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहती हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड में उन्होंने SIP के जरिए 10,000 का निवेश किया हुआ है। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का भी उन्होंने जिक्र किया और उसमें भी 10,000 का निवेश है, तो पोर्टफोलियो कैसा है उनका, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्या कहेंगे इस पर? रिद्धि जी, सबसे पहले मैं मिराय एसेट फंड के लिए आपको बात करूंगा। आपका जो मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है वो एक बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है
उसका फंडा क्या है कि टॉप 100 क्रिप्स को छोड़ के वो बाकी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो बाकी के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि खराब होते हैं, लेकिन विच इज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज इन द फ्यूचर एंड बिकम अ लार्ज कैप, सो दे टारगेट पोटेंशियल। इस ये फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 3 साल का कुछ 28% रिटर्न है, 5 साल का 18% रिटर्न है। मार्केट लास्ट 3 से 6 महीने में नीचे रहा है तो नेगेटिव रिटर्न भी है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड विच इज गिविंग अ वेरी नाइस रिटर्न्स। सो फॉर माय एडवाइस टू यू इज नॉट ओनली स्टे इन्वेस्टेड बट प्लीज कंटिन्यू योर SIP इन दिस फंड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द सेक्टर ऑफ मल्टी कैप फंड्स। और दूसरा फंड आपका है कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, जैसे नाम खुद बता रहा है कि वो सिलेक्टिव सेक्टर में ही पैसा लगा रहे हैं। सिलेक्टिव सेक्टर मेरे हिसाब से सीजनल जैसा होता है कि इन अ पीरियड ऑफ 1 डिकेड उसका सीजन आता है तभी वो परफॉर्म करता है, बाकी के टाइम वो डॉर्मेंट चलता रहता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई अच्छा सा इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जैसे बिरला सनलाइफ का है या तो रिलायंस नहीं तो HDFC का भी ले सकते हैं, क्योंकि कोटक सिलेक्ट फोकस का परफॉर्मेंस आता अच्छा है लेकिन सिंस इट बिकम्स लिटल डॉर्मेंट व्हेन द मार्केट्स आर फ्लैट, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो पैसा अभी निवेशित है वो रहने दीजिए, लेकिन SIP आपकी शिफ्ट करिए BSL इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड या तो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जैसे फंड में आप अपनी SIP शिफ्ट करिए, तो शायद आपको रिटर्न भविष्य में बेहतर रहेंगे। तो मेरा ऐसा चालू रखिए और नई SIP एक दूसरे कोई फंड में चालू करिए जैसे कि बिरला इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड या तो ICICI प्रूफ वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो दोनों ही फंड्स आपके बहुत बेहतरीन हैं, आने वाले सालों में यानी कि लॉन्ग रन में आपको इसका अच्छा जो है रिटर्न जरूर मिल सकता है। और नए SIP आप कौन से SIP फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं वो भी आपको बताया। एक और कॉलर कृतिका हैं हमारे साथ जिनकी उम्र 25 साल है, सालाना आय उन्होंने अपनी 1 लाख बताई और सेविंग के लिए 2 साल तक हर महीने वो 3,000 निवेश करना चाहती हैं, तो इसके लिए किरण आप क्या सजेस्ट करेंगे, बेटर प्लान इनके लिए कौन सा है? कृतिका, मैं पहले ये बात समझ नहीं सका कि आप क्यों 2 साल के लिए ही टारगेट रख के इन्वेस्ट कर रही है। अगर मैं आपको सलाह दूं कि लंबे नजरिए से देखो तो इक्विटी फंड्स आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप 25 साल की है तो शायद कोई फ्यूचर स्टडी के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है या आप अपने मैरिज फंडिंग के लिए भी 2 साल का नज़रिया रख सकती है, वो हिसाब से मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जैसे आगे एक कॉलर को मैंने बताया था वो हिसाब से सेम थिंग मैं आपको भी एक और बताऊंगा कि यू विल हैव टू अंडरगो KYC KRA एंड FATCA प्रोसेस, देन यू हैव टू फिनिश अप योर टर्म इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ। एक थंब रूल आपको इंश्योरेंस का बता दूं कि आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी होती है उसका ऑन एन एवरेज 12 times तो मिनिमम के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। अगर आपकी 1 लाख की सालाना आय है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 12 से 15 लाख का तो मिनिमम टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, वो भी लॉन्गेस्ट पीरियड का लीजिए। एक बार आपका टर्म इंश्योरेंस हो जाता है मेडिक्लेम लीजिए। मेडिक्लेम के बाद मैं आपको सलाह ये दूंगा कि थोड़ा सा PPF में भी निवेश करना चालू कर दीजिए और जो पैसा आपका बचता है तो वो कोई अच्छा सा बैलेंस फंड जैसे कि L&T प्रूडेंस फंड या तो ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड उसमें आप निवेश करना SIP के जरिए से चालू करिए। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी। तो चलिए 2 साल ही क्यों, आगे का टारगेट लेकर भी आप चल सकते हैं ऐसा कि किरण ने आपको सजेस्ट किया है और इक्विटी फंड्स अच्छे रिटर्न भी आपको दे सकते हैं अगर आप उनमें निवेश करना चाहती हैं। तो किरण आपका बहुत शुक्रिया, किस तरीके से निवेश करना चाहिए बेहतर रिटर्न के लिए और अपना टारगेट रख के 2 साल ही नहीं आगे भी उन सालों को एक्सटेंड किया जा सकता है, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हमारे कॉलर्स के, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस शो मनी गुरु विमेन स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आप मेल लिखिए moneyguru@zmedia.slgroup.com और अपना सवाल SMS के जरिए भी पूछ सकते हैं, सवाल लिखकर भेज दीजिए 575-5757 पर।